हमीरपुर के शिव मंदिर में गणेश चतुर्थी का विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके दौरान हमीरपुर बाजार में भगवान गणेश की शोभा यात्रा भी निकाली गई। ये यात्रा शिव मंदिर से आरंभ हुई और बोटा चौक से होते हुए पूरे हमीरपुर शहर की परिक्रमा करते हुए वापस शिव मंदिर पहुंची। गणपति बाबा मोरिया के नारों के साथ सारा हमीरपुर शहर भक्ति के रश में नजर आया। हमीरपुर के शिव मंदिर में गणेश चतुर्थी का विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिस दौरान हमीरपुर बाजार से भगवान गणेश की शोभा यात्रा निकाली गई। ये यात्रा शिव मंदिर से आरंभ हुई और बोटा चौक से होते हुए पूरे हमीरपुर शहर की परिक्रमा करते हुए वापस शिव मंदिर पहुंची। गणपति बप्पा मौर्य के नारों के साथ सारा हमीरपुर शहर भक्ति रस से सरोवर नजर आया। इस मौके पर गणपति बप्पा मौर्य कमेटी के सदस्य सौरभ सोनी ने बताया कि गणेश चतुर्थी पर सबको बधाई दी और कहा कि गणेश उत्सव हमीरपुर के शिव मंदिर में 2 से 10 सितंबर तक आयोजित किया जा रहा है, जिसमें हर शाम को भव्य आरती की जाएगी और 11 सितंबर को नादौन की ब्यास नदी में गणपति बप्पा का विसर्जन किया जाएगा। उन्होंने शहरवासियों को इस उत्सव में बढ़ चढ़ कर अपना योगदान देने का आग्रह किया। की तरह इस साल भी पिछले 8 साल से लगातार हमीरपुर शहर में गणेश उत्सव बड़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये एक सार्वजनिक त्यौहार है और हमीरपुर में इसका आयोजन शिव मंदिर मेन बाज़ार गांधी गेट के पास किया जाता है। आज दिनांक 2 तारीख से सोमवार के दिन गणपति जी की मूर्तियों की स्थापना वहाँ पर होगी और शाम को 8 बजे से 10 बजे तक यहाँ भजन संध्या का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। 10 तारीख को कमेटी ने भंडारे का आयोजन किया गया है और 11 तारीख को नादौन में ब्यास नदी में इन मूर्तियों का विसर्जन किया जाएगा। तो सभी नगर निवासियों से मेरी विनम्र प्रार्थना है कि वो बढ़ चढ़ कर भाग लें, अपना योगदान दें, सहयोग दें और 11 तारीख को नादौन में ब्यास नदी में इन विसर्जन के लिए साथ में चलें। धन्यवाद।